हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे यहाँ बनेगी न्यू सब्जी, न्यू गर्मी वाली सब्जी। तो दोस्तों देखिए, चलो फिर खेत में चलते हैं और चेंच की भाजी को काटते हैं। जो चेंच की साग होती है ना, गर्मी में बहुत ही मस्त, एकदम मस्त लगती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने खेतों में और आज बना रहे हैं हम न्यू सब्जी, चैंच की भाजी। तो दोस्तों देखिए, ये है चेंच की भाजी, जो कि गर्मी में बहुत ही अच्छी लगती है। लोग, गांव के लोग हो या शहर के लोग, गर्मी में इस भाजी को बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। ये है चेंच की साग। तो दोस्तों देखिए, कितनी बड्डी बड्डी भाजी हो गई है, देखिए कितनी मस्त है। अब बनाएंगे हम लोग गर्मी में न्यू सब्जी, चेंच की साग। तो इसको जल्दी से फटाफट से काट लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से काट लेते हैं। चलो, अब चेंच की भाजी को अच्छे से काट लिया है खेत से, अब इसको पानी से अच्छे से धो लेते हैं। चलो फिर पानी को टंकी से ले लेते हैं, बाल्टी में, और भाजी को अच्छे से महीन से धो लेते हैं, ताकि इसमें जो मिट्टी वगैरह या कंकड़ वगैरह होंगे तो वो सारे साफ हो जाएंगे। तो अच्छे से भाजी धो जाएगी और साफ हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, भाजी को अच्छे से धो लिया है, जो चेंच की साग है ना, उसको अच्छे से धो लिया है। देखिए कितनी मस्त लग रही है दोस्तों, देखिए। चलो अब चलते हैं घर पर चेंच की भाजी लेकर, और फिर बनाते हैं इसको, इसकी सब्जी। तो दोस्तों देखिए, आ गए हैं घर पर, और आ जाओ, अरे ये है चेंच की साग। अब खोल इसको यहाँ पर बनाएंगे, इसकी न्यू रेसिपी। ले। देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं न्यू सब्जी, ये है चेंच की भाजी। हम आज न्यू सब्जी बनाएंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। तो फिर देखिए दोस्तों, हम भाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलो फिर दोस्तों, जल्दी से देसी चूल्हे में आग को जला लेते हैं फटाफट से। देसी चूल्हे पर कढ़ाई को रख दिया है दोस्तों, ये तैयार है, इसको रख दिया है। अब इसमें डालेंगे पानी गर्म होने के लिए। इसमें हमने पानी डाल दिया है, अब हम नमक को डालेंगे। देखिए दोस्तों, हम नमक को डाल देते हैं, नमक को भी हमने डाल दिया। अब इसमें हम बेल डालते हैं, डाल के हैं अब हम इसमें दिल को डालते हैं, जो हमने पानी रखा था उसमें दिल को डाल लिया है। तो फिर देखिए दोस्तों, हम भाजी को काटते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों, हम भाजी को काटते हैं, भाजी काटना हम स्टार्ट करते हैं। कितनी प्यारी भाजी है चेंच की। तो फिर देखिए दोस्तों, हम भाजी को काट रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चेंच की भाजी, न्यू सब्जी, क्योंकि नई सब्जी है अभी अभी चेंच की भाजी हमने खाई नहीं। पहले भैया, गांव के लोग इस भाजी को बहुत ही पसंद करते हैं गर्मी में। इस चेंच की भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है गर्मी के समय में। भाई अभी ये नई सब्जी है गर्मी वाली, और इसको लोग अभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग बना रहे हैं इसको। तो फिर देखिए दोस्तों, हमने भाजी को काट लिया है, चेंच की साग।
देखिए अदनी भी हो गया है और जो दाल इसमें डाली थी वो भी अच्छे से पक गई है। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो फिर दोस्तों देखिए हम भाजी को डालते हैं, भाजी को हम डाल रहे हैं और हमारी चाची बन रही है। अब आपको जला देते हैं अच्छे से। आज बन रही है न्यू सब्जी, गर्मी वाली न्यू सब्जी, देसी स्टाइल में न्यू सब्जी। दोस्तों प्लीज लाइक कर देना। देखिए दोस्तों हम भाजी को बना रहे हैं, साग को बना रहे हैं। ये कैसी बन रही है, एकदम हरी मस्त। फिर देखिए दोस्तों हम लहसुन को छील लेते हैं और ये है लहसुन, इसको हम छीलते हैं और फिर हम पीस कर भाजी में मिलाएंगे, इस साग में डालेंगे। पहले हम इसको छील लेते हैं, अच्छे से साफ कर लेते हैं। दोस्तों हम मिर्ची को और लहसुन को पीस लेते हैं। तो पहले इसके मिर्ची को हम साफ कर लेते हैं। तो फिर देखिए दोस्तों हमने लहसुन और मिर्ची की चटनी बना ली है, लहसुन और मिर्ची की चटनी बना ली है। अब हम इसमें डालते हैं ताकि सब्जी हमारी और टेस्ट। तो दोस्तों देखिए साग को देखते हैं बनी है कि नहीं बनी। हाँ तो देखिए दोस्तों साग बन के तैयार हो गई है, जो बच्चा की भाजी थी ना तो बन के तैयार हो गई है। दोस्तों देखिए कितनी मस्त सब्जी बनी हुई है, चेंच की भाजी देख सकते हैं पूरी तरह से पक गई है और अब इसको उतारेंगे तो सब्जी बन के तैयार हो गई है। देखिए दोस्तों हमारी चेंच बन के तैयार हो गई है, हम चेंच को उतार रहे हैं। तो फिर हमने चेंच को उतार दिया है। देखिए दोस्तों चेंच की भाजी साग, ये है चेंच की साग।